हेलो दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल। दोस्तों आज एक और एक टॉपिक और बेहतरीन आपको एक टॉपिक इस वीडियो में आपको मिलेगा। अक्सर अपने मैकेनिक भाई किस जगह पे फंसते हैं और कहीं पे अटकते हैं तो समझ के बाहर हो जाता है, दिमाग काम नहीं करता है। कैसे काम करें, क्या काम करें, एक ईसम बदली किए, दो ईसम बदली किए, तीन ईसम बदली किए, चार ईसम बदली किए, सिर्फ ईसम बदली करते रहेंगे और काम होगा नहीं कुछ। ठीक है, तो ऐसे ही एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर ने हमारे से ईसीएम लिए थे, डेक्टर 110 का जो कॉन्टिनेंटल का जो ईसीएम आता है, ये वाला जो ईसीएम है, ये उनको हमने ईसीएम भेजा था। ये क्योंकि ये हमारे तरफ से ओके ईसीएम था, तो ओके ईसीएम हमने उनको दिया है। देने के बाद जो केटेक से डेटा रीड राइट किए, जो उसका पुराना ईसीएम है उसका डेटा निकाले और इस ईसीएम के अंदर डेटा डाले। डालने के बाद गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गाड़ी तो स्टार्ट होनी चाहिए था। ठीक है, तो उस कंडीशन में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी क्योंकि हमने जो ईसीएम दिए वो ओके ईसीएम, गाड़ी में 101% ओके ईसीएम था ये, तो हमने उनको ईसीएम सेल किए थे। तो उनके पास ईसीएम गया, ईसीएम जाने के बाद वो ईसीएम के अंदर से जो डेटा था वो निकाले, इसके अंदर राइट किए, तो गाड़ी स्टार्ट किए, गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कॉन्टेक्ट किया, जमीर भाई जो आपने ईसीएम दिया है वो ईसीएम में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, हो सकता है आप गलती से कोई ख़राब ईसीएम दे दिए, हो भी सकता है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है। तो मैं उनको एक सिंपल बात बोला, भाई एक काम करो, आप मुझे एक किट भिजवा दो। वो मेरे पास किट भिजवा दिए, इसका BCM और EMO और ECM और गाड़ी का ECM और जो मैं खुद ECM दिया था वो वाला ECM। तो मैं देखा तो गाड़ी सही में गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। दिखाता हूँ, ये गाड़ी का ओरिजिनल ECM है, जो पहले गाड़ी के अंदर था वो वाला ECM है। तो अभी मैं इग्निशन ऑन करता हूँ, पावर ऑन करता हूँ, देख सकते हैं फ्यूल का ये टॉप लाइट है, ताले वाला लाइट आके तुरंत चला गया। गाड़ी स्टार्ट करता हूँ, गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है। ठीक है, ये तो हो गया गाड़ी का ओरिजिनल ECM। गाड़ी का ओरिजिनल ECM के अंदर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और क्रैंक सेंसर का कोड बन रहा है। देखो आदमी कहाँ कैसा कंफ्यूज होता है, बताता हूँ, कोड बन रहा है क्रैंक सेंसर का और बहुत सारे कोड बन के आ रहे हैं, वो क्लियर हो नहीं रहे। चलो ये तो बात हो गई। और दूसरा, जो मैं खुद उनको ईसीएम जो सेल किया था वो ईसीएम लगाया तो भी सेम कंडीशन है, सारे के सारे वही कोड बन रहे हैं, सारा वही बन रहा है, गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रही है। और मेरे पास और एक किट पड़ी थी, किट का जो ईसीएम था वो भी लगाया तो भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। तो ये जो मेन फंडा जो है इसका है डेटा का, जो इसका डेटा जो है वो हो गया है करेक्ट, इसके कारण ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अभी हम इसको कैसे रिजोल्व करेंगे वो मैं आपको कंप्लीट इस वीडियो में लाइव बताऊंगा, इसको क्या क्या आप करेंगे तब जाके आपका काम रिजोल्व हो सकता है। ये नंबर वन पे आपका एक ही गाड़ी का ECM का डेटा, एक ही गाड़ी का BCM का डेटा, ये दोनों डेटा एक ही गाड़ी का आपके पास अवेलेबल होना चाहिए और आपके पास की प्रोग्रामिंग करने का एक टूल अवेलेबल होना चाहिए, जैसे कि अपना DP5। ठीक है, जैसे कि अपना DP5 जैसे एक की प्रोग्रामर होना चाहिए, की प्रोग्रामर एक, दूसरा तुम्हारे पास ट्रांसपोंडर होना चाहिए और तीसरा ECM का डेटा और BCM का डेटा, कंप्लीट एक ही गाड़ी का कंप्लीट डेटा होना चाहिए। देख सकते हैं, अभी मैं डालूंगा आपको स्टेप बाई स्टेप पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, मगर इस वीडियो के अंदर आपको नॉलेज बहुत लंबी होने वाली है क्योंकि ऐसे वीडियो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। हमारे एडवांस ऑटो इलेक्ट्रिकल को आप सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अभी स्टार्ट करेंगे। सामने लो, देख सकते हैं पावर मेरा ऑन है, इग्निशन ऑन है, ताले वाला लाइट आके स्टिल खड़ गया, चला गया, गाड़ी क्रैंकिंग करो, क्रैंकिंग नहीं हो रही है। अभी मैं क्या करूंगा, सिंपल पहले ECM का डेटा डालूंगा अपने केटेक की मदद से और उसके बाद BCM का डेटा डालूंगा और उसके बाद की प्रोग्रामिंग करूंगा, वो कैसे करते हैं स्टेप बाई स्टेप मैं आपको बताऊंगा। ये अपना ECM है, अभी वीडियो को स्टॉप करूंगा, सबसे पहले केटेक से इसका कनेक्शन पूरा कर लेता हूँ क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। वो केटेक से इसके अंदर जो मेरे पास ओरिजिनल डेटा दिखाता हूँ, फोकस करो, देखो ओरिजिनल डेटा यानी अपना एक ही गाड़ी का ओरिजिनल डेटा पहले वो डालूंगा। केटेक डेटा
डेटा BS4। हाँ देखो, सबसे पहले हमने एक डेटा बनाया है, एक तो अपना माइक्रो का डेटा है, एक तो अपना ईप्रॉम का डेटा है और तीसरा अपना फ्लैश का डेटा है, यानी कंप्लीट डेटा है। और उसके बाद हमने एक कोड भी, उसका पासवर्ड भी रीड करके रखा है। ठीक है, ये हम कर लेंगे बंद। और एक हमने 95040 की ईप्रॉम का, जो BCM के अंदर जो ईप्रॉम आती है, जो BCM के अंदर जो ईप्रॉम आती है, उसका भी डेटा हमने कंप्लीट एक गाड़ी का बना के रखे। इन केस फ्यूचर में ऐसी दिक्कत आती है या अपने को BCM चेंज करना है या ECM चेंज करना है, तब ये बहुत ज़रूरी रहता है डेटा, क्योंकि अपनी लाइन में जो ऑन टेबल जो काम कर रहे हैं उनके लिए जो मेन पॉइंट रहता है वो डेटा। डेटा आपके पास सही है तो 100% आप काम भी सही करोगे। डेटा ही आपके पास नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। आप केटैग लेते हो, KTM लेते हो, परेशान होते हो, भाई सपोर्ट नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा। ठीक है, ये सब आपको सपोर्ट में, ये सब आपको प्रोवाइड करवाते हैं हम। ठीक है, अभी मैं आपको वीडियो को स्टॉप कर, पूरा कनेक्शन में कर लेता हूँ। कनेक्शन करके मैं आपको प्रोसेस आपको बताऊंगा। स्टॉप करो। हाँ दोस्तों, अभी हम कौन से प्रोटोकॉल में ये जाके ECM रीड होगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आप केटैग ओपन करेंगे, केटैग ओपन करेंगे, जो आपका केटैग है केटैग को ओपन करेंगे और उसके बाद प्रोटोकॉल में जाएंगे। प्रोटोकॉल में जाने के बाद आपको बूट रेडर ट्राइकोर में आपको प्रेस करना है और उसके बाद सबसे नीचे आपको आना है। सबसे नीचे आप आएंगे तो आपको देख सकते हैं सिमेंस SID 305 रेनॉल्ड, इसका जो फैमिली नंबर है 205 को हम क्लिक करेंगे तो इसका कनेक्शन इसके अंदर आपको दिखाएगा। देख सकते हैं, इस जगह पे आपको कनेक्शन करना रहता है CNF और बूट और पॉजिटिव नेगेटिव कैन लो कैन हाई। ठीक है, अभी मैं कनेक्शन कर लेता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए हुए। नेगेटिव कैन लो कैन ही सारा कुछ हमने लगा दिया है और बूट और CNF दोनों हम लगा देंगे। ये जो है CNF की वायर है, CNF की वायर हम अभी सोल्डर कर लेंगे। बूट और CNF हमने सारा कुछ लगा लिया है। जब भी आप ECM को रीड करोगे उस टाइम पे इस जगह पे आपको देख लेना है बारीकी से, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब आप कनेक्शन लगाओगे तो कोई ना कोई कंपोनेंट को लग के ECM ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अभी मैं सारा कुछ कनेक्शन कर लिया हूँ, अभी मैं स्क्रीन पर जाऊँगा। देख सकते हैं, अभी मैं इसको करूँगा ओके, इसको सेलेक्ट करूँगा, इसको भी ओके करूँगा। अभी मुझे इसका डेटा चाहिए ही नहीं क्योंकि ये मुझे मालूम है डेटा करप्ट है, फिर भी एक बार मैं ECM अपना रीड हो रहा है या नहीं हो रहा वो एक बार देख लेता हूँ। ईप्रॉम को सेलेक्ट किया हूँ सिर्फ करने के लिए, कम्युनिकेशन मेरा ECM हो रहा है या नहीं हो रहा वो देखने के लिए। हाँ, रीडिंग डिवाइस इंफॉर्मेशन बोल के आ रहा है, यानी मेरा ECM ये रीड होने के लिए तैयार है। इसको मैं कर दूंगा कैंसिल क्योंकि मुझे ये चाहिए डेटा ही नहीं, क्योंकि ये डेटा पूरा करप्ट हो चुका है। अभी मैं जाऊंगा अपना, मेरा जो ओरिजिनल डेटा है उसके ऊपर जाऊंगा। देख सकते हैं आपने, सबसे पहले मैं पूरा फ्लैश फाइल डाल दूंगा, सेलेक्ट कर लिया, अपने ऑटोमेटिक ये फाइल चले जाएगी। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, 20 मिनट 25 मिनट जितना भी लंबा हो, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत बेहतरीन नॉलेजफुल वीडियो है। मैं सबको एक ही बात बोलूंगा, ये वीडियो आप जरूर से देखें, आपको कुछ तो एक नया देखने को मिलेगा। तो बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, बहुत सारे अच्छे वीडियो बनाते हैं भाई लोग, तो वैसे वीडियो और ऐसे वीडियो में बहुत फर्क रहता है, क्योंकि बहुत बारीकी से मैं आपको बता रहा हूँ। देख सकते हैं फ्लैश फाइल जा रही है, यानी फुल फाइल जा रही है। अभी मैं स्टॉप कर दूंगा, पूरा ECM का डेटा मैं डाल दूंगा। देख सकते हैं अपना, हाँ, फ्लैश का जो फुल फाइल है वो चली गई है। और एक बार मैं माइक्रो की भी फाइल डाल दूंगा क्योंकि मेरे पास पड़ी है तो मैं डाल देता हूँ, डबल कोई डाउट मेरे को रहना नहीं है। हाँ, ये मेरी जो फुल फाइल है चली गई है। एक बार मैं डबल कन्फर्म के लिए, मेरे पास सिंगल फाइल रहती है तो सिंगल फाइल भी डाल देता हूँ, MPC यानी माइक्रो की फाइल, और उसके ऊपर मैं ईप्रॉम भी डाल दूंगा। तो आप डाल सकते हैं, एक ही फाइल डाल सकते हैं, सिर्फ फुल फाइल भी डाल सकते हैं, मगर मैं सेपरेट ही डालूंगा। देख सकते हैं माइक्रो की फाइल भी अपनी जा रही है।
और उसके बाद डालूंगा ई प्रोम, यानी ये कंप्लीट एक गाड़ी का, ये भी चले गई और मैं अभी डालूंगा ई प्रोम, एक ही कंप्लीट गाड़ी का ई प्रोम। किधर गया अपना ई प्रोम? हाँ ये रहा ई पी आर, ई प्रोम। ऐसा बीच में आता रहता है, वो लैपटॉप का कारण या कुछ भी समझ लीजिए, सर्वर नहीं होता, ये ऑफलाइन चलता है। ईप्रॉम की फाइल राइट हो रही है, यानी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। यानी इसका मतलब इधर देखो, बीसीएम के अंदर डेटा चला गया। अभी मैं डालूंगा बीसीएम के ईप्रॉम के अंदर। अभी मेरा हो गया केटेक का काम, कुछ नहीं है अब। इसका जो भी हमने सोल्डर किया है वो हम निकाल देंगे। देखो अभी मैं जो सोल्डर किया था उसको निकाल दूंगा, सारा कुछ निकाल दूंगा, क्योंकि अभी हमने ईसीएम का डेटा डाल दिए हैं। अभी बाकी है ई प्रॉम इसका, क्या बोलते हैं अपना बीसीएम। क्योंकि अभी मुझे बीसीएम का डेटा डालना है। देख सकते हैं आपका लोकेशन भी आपको बता देता हूँ किस जगह आपको आईसी देखने को मिलेगी। ये जो अपना एमसीयू है, एमसीयू के बाजू बिल्कुल बाजू आपका ये है 95040 बोल के एक ईप्रॉम आईसी आती है। वो आप निकाल के, या तो आपके पास ब्लैक यूपी है या तो आपके पास रेड यूपी है, किसी भी प्रोग्रामर से आप डाल सकते हैं। अभी मैं काम करूँगा रेड यूपी से, पहले ये निकाल लेता हूँ। अभी मैं ये ईप्रॉम निकाल लूँगा। हमने ईप्रॉम को निकाल लिया है, हाँ साफ कर लिए। अभी हम जो अपनी ईप्रॉम है, ईप्रॉम को थोड़ा क्लीन कर लेंगे, क्योंकि जो ऊपर फेस है उसके कारण वो अपनी आईसी को रीड करने नहीं देगा। हमारी ईप्रॉम अच्छे तरीके से साफ हो चुकी है। अभी हम डालेंगे अपना जो होल्डर आता है, ईप्रॉम का जो होल्डर आता है, होल्डर के अंदर इसका ईप्रॉम लगाइए। हमने ईप्रॉम इसके अंदर निकाल के लगा लिए। मेरा सिस्टम ये है, मैं कभी भी किसी भी बोर्ड के अंदर डायरेक्ट ईप्रॉम को रीड नहीं करता हूँ। मेरा सिस्टम ये है, निकाल के ही मैं रीड करता हूँ, क्योंकि वन साइड मैं सेव रहता हूँ। अभी मैं अपना रेड यूपीए में इसको कनेक्ट करूँगा। देख सकते हैं ये किधर आपको लगाना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो ये 95 सीरीज की ईप्रॉम है, देख सकते हैं 94 95 24 25 95 93 95 080 35 080 बोल के इधर लिखा है, मगर मेरी जो सीरीज है वो है 95। अभी ये मेरी जो आईसी है वो लगाऊंगा 95 सीरीज में, ऊपर का होल्डर में। अभी मैं अपना रेड यूपीए का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेता हूँ। अपनी जो आईसी है वो एसटी सीरीज की है, एसटी 95040। इसको सेलेक्ट कर लूँगा। अभी मेरी आईसी को रीड करूँगा। ये रीड नहीं हो रही, इट्स मीन ये जो मेरी आईसी है वो सही से लगी नहीं है। लगा लिया, अभी मैं करूँगा रीड। रीड हो चुकी है, इसके अंदर डेटा आ चुका है। ये भी मेरे को डेटा चाहिए नहीं, जो मेरा डेटा है वो इसके अंदर डालूंगा। देख सकते हैं 95040 का जो मेरा डेटा है वो इसके अंदर मैं डालूंगा। डाल दिया, प्रोग्राम करूँगा। एक बार दोबारा इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी ST95340। थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है,
एसटी एसटी हाँ ये हो गई, मिल गई। अभी मैं करूँगा प्रोग्राम, डू यू वांट टू प्रोग्राम कंफर्म यस। अभी जो मेरा डेटा है वो इसके अंदर राइड हो रहा है, ये मेरा डेटा राइड हो चुका है, ठीक है, ये डेटा मेरा राइड हो चुका है। और एक बार कंफर्म करने के लिए और एक बार मैं प्रोग्राम कर देता हूँ। ये मेरा डेटा जो है वो रीड राइड हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, ये जो मेरी ई प्रॉम है ये अभी बीसीएम को साइड में रखूँगा, और जो मेरा ये है इसका पिन कोड कैलकुलेटर करूँगा, इसका पिन कोड निकालूंगा अपने DP5 की मदद से। अपना UPI ब्लैक रेड का भी काम हो गया, KTech का भी हो गया। अभी मैं क्या करूँगा, अपना DP5 की मदद से पिन कोड रीड करूँगा। इसके साथ आपको लगाना रहेगा EEPROM रीड करने के लिए 3001 का अडाप्टर, ये हमने लगा लिया। और इसके साथ आपको लगाना रहता है ये वाला C001 अडाप्टर, ये अपने को लगाना रहता है, ये अपने को लगा दिया। और जो 95 की जो IC है वो 95 सीरीज में लगाना है, 95 यानी पोजीशन 2 के होल्डर में लगाना है, ये भी मैं लगा दिया, ठीक है। अभी मैं EEPROM को रीड करूँगा पिन कोड, एग्री, सारी मोड में चला जाऊँगा, रेनॉल्ट में जाऊँगा, सॉरी गलत आ गया था, पहले EEPROM में जाऊंगा, EEPROM में जाऊंगा। EEPROM में जाऊंगा, इंटर रीड पिन कोड भी कर सकते हैं या आप फाइल के थ्रू भी रीड कर सकते हैं। अभी मैं करूंगा पिन कोड रीड, पिन कोड रीड में जाऊंगा। जो मेरी गाड़ी है वो रेनॉल्ट कंपनी की है, तो रेनॉल्ट में जाऊंगा, रेनॉल्ट में चला गया। डस्टर है, डस्टर में चला जाऊंगा। 95040 मेरी EEPROM IC है, बिल्कुल सही है। इंटर करूँगा, इंटर, मेरा EEPROM रीड हो रही है, यानी पासवर्ड मेरा रीड हो रहा है, यानी ये अभी नाम कुछ भी आप नाम इसके अंदर दे सकते हैं। अभी मैं दूंगा क्या दूँ, क्योंकि डस्टर के बहुत सारे मेरे पास के अंदर पड़े हैं, दे देता हूँ मैं 11001100, ये दे देता हूँ। इंटर, पासवर्ड मेरा आ चुका है, ठीक है। ये मेरी जो फाइल है वो ऑलरेडी सेव होके है। अभी मैं करूँगा इंटर। अभी मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरा पासवर्ड जो है EEPROM के थ्रू मेरा DP5 ने वो निकाल लिया है। अभी मैं BCM के अंदर इसका जो EEPROM हमने निकाली थी वो वापस से इसके अंदर डाल दूंगा। जो पोजीशन आप निकाल रहे हो उसी पोजीशन पे आपको EEPROM लगानी है। स्टॉप कर लो, लगाने के बाद आपको अच्छे तरीके से देख लीजिए, कोई कनेक्शन तो ऊपर नीचे नहीं है, और साफ अच्छे तरीके से बारीकी से आप साफ कर लीजिए, ठीक है। मैं इसको और अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगा बाद में, किसी को ये पता ना चले इसके अंदर वो निकाले हैं। अभी हमने सारा कुछ लगा दिया है, और अभी मैं लगाऊंगा BCM मशीन के ऊपर, अपने KECU टेस्टर के ऊपर, क्योंकि गाड़ी बहुत दूर है। अभी मेरे को गाड़ी अरेंज करने के लिए पॉसिबल है नहीं, तो मुझे क्या मालूम पड़ेगा गाड़ी स्टार्ट हो रही है नहीं हो रही है बोल के। तो यही बेनिफिट है अपना KECU टेस्टर रहने से, हम काम बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। और आपको चाहिए चिप, अभी चिप का भी आपको मैं बता देता हूँ, चिप आपको कहाँ से जाके आपको जनरेट करना रहता है वो भी आपको मैं बता देता हूँ। बोलो बोलो, दो चिप, अभी मैं दो चिप जनरेट करूँगा। सबसे पहले ये जो मेरी चिप है अपने VDI मिनी के साथ रख दूँगा, एक सोर्स का सॉफ्टवेयर ओपन करूँगा, जो मेरी चिप का है वो दिखाऊँगा कहाँ पे जाके आपको ढूंढना है। जनरेट ट्रांसपोंडर AD46 रेनॉल्ट, रेनॉल्ट AD46, क्योंकि ये जो ID है AD46 है, जो ऊपर वाला जो है सिलियो सेकेंड रिमोट की, इसमें जाएंगे जनरेट करेंगे ट्रांसपोंडर, डिटेक्टिंग ट्रांसपोंडर कंप्लीट, यानी ये मेरा जो ट्रांसपोंडर है वो जनरेट हो चुका, और दूसरा भी ट्रांसपोंडर जनरेट कर लूंगा।
दोनों ट्रांसफार्मर जनरेट हो चुके हैं। अभी मेरा वीडीए का भी काम हो गया, केटेक का भी काम हो गया, यूपीए का भी काम हो गया। अभी मेरी जो मेन है वो है अपना DP5। अभी देखो सिंपल पूरा स्टेप बाई स्टेप आप देखें तभी आपको मालूम पड़ेगा, नहीं बोलता आपको कुछ भी नहीं मालूम पड़ेगा। अभी मैं आऊँगा कार इमो में, ये भी निकाल दूंगा, इसका भी कोई काम है नहीं अभी, इसको भी साइड में रखता हूँ। अभी मैं जाऊँगा रेनॉल्ट, रेनॉल्ट में जाऊँगा, इंटर करूँगा, मैनुअल सिलेक्शन में जाऊँगा, रेनॉल्ट में जाऊँगा, डस्टर में जाऊँगा, 10 से 14 मॉडल की मेरी गाड़ी है, 10 से 14 में जाऊँगा, की प्रोग्रामिंग में जाऊँगा, इग्निशन हाफ करने के लिए बोल रहा है, इग्निशन हाफ, मेरा इग्निशन ऑन है, मैं अभी ऑफ करूँगा। देखो आप इसे मैं अभी मैं कनेक्ट नहीं किया हूँ, कनेक्ट करके भी आप काम कर सकते हैं, बिना कनेक्ट करके भी आप काम कर सकते हैं, क्योंकि अभी मुझे BCM और ECM, BCM और इमो के साथ मुझे वो करना है। फिर भी मैं लगा देता हूँ BCM। अभी मैं इग्निशन मेरा बंद करूंगा, इग्निशन बंद करने के लिए बोल रहा है, इग्निशन बंद करने के लिए बोल रहा है, इग्निशन बंद करूंगा, इंटर करूंगा। अभी मेरी जो हमने जो BCM रीड करने के टाइम जो हमने पासवर्ड रीड किया था, जो हमने नाम दिया था 1100 1100, ये मेरा फाइल ऊपर उठा के मैं चढ़ाऊंगा, क्योंकि इसके अंदर पासवर्ड रहता है। ये इग्निशन ऑन करने के लिए बोल रहा है, इग्निशन में ऑन करूंगा, और मेरा जो ट्रांसपोंडर है वो रखूंगा इधर, और इधर मैं इंटर करूंगा। इधर फोकस करो, ट्रांसपोंडर में इधर रखा हूँ इमो में, देख सकते हैं प्रोग्राम सक्सेस वेदर टू प्रोग्राम नेक्स्ट वन। अभी ये पूछ रहा दो चाबी चढ़ाना चाहते हैं यानी दूसरी भी चाबी, हाँ बिल्कुल हम दूसरी चाबी भी चढ़ाएंगे। एक ट्रांसपोंडर अभी मैं इधर रख देता हूँ, दूसरा ट्रांसपोंडर इधर रखता हूँ, और इधर मैं इंटर करता हूँ, ये दो चाबी मुझे चढ़ाना है। इग्निशन ऑन, ऑलरेडी इग्निशन ऑन है मेरा। कम्युनिकेटिंग हो रही है, प्रोग्राम सक्सेस, यानी दो चाबी मेरी चढ़ चुकी है, और तीसरी चाबी चढ़ाना चाहते हैं तो इंटर करो, नहीं तो वरना आप कैंसिल करो, कैंसिल। इग्निशन ऑफ करने के लिए बोल रहा है, इग्निशन को बंद करूंगा, इग्निशन को बंद कर दिया, और इधर ओके करूंगा, मेरा काम हो गया कंप्लीट। इधर सक्सेस आएगा आपको, वो वेट करके आप देख लेना है। देखो की रजिस्ट्रेशन वाज डन सक्सेसफुल, यानी मेरा जो काम था वो सक्सेसफुल हो चुका है। अभी मैं गाड़ी को स्टार्ट करके बताऊंगा। हाँ देख सकते हैं जो मेरा ट्रांसपोंडर मैं इधर रख लिया हूँ, इग्निशन को ऑन करूंगा, पावर सप्लाई को भी ऑन करूंगा। पावर सप्लाई पहले ऑन किया, बाद में इग्निशन को ऑन किया, ताले वाला लाइट आके तुरंत चला गया, स्टॉप लाइट है ये, चेकलाइट, हीटर लाइट। अभी मैं करूंगा क्रैंकिंग, गाड़ी मेरी सक्सेसफुल, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। इसका मतलब ये है तो कहीं कहीं छोटी सी नॉलेज मानो या कहीं तीसरे बंदे की गलती मानो या कुछ भी मान सकते हैं, तो ऐसी भी दिक्कत देखने को मिलेगी, क्योंकि सामने वाला आपको बोलेगा नहीं भाई ऐसा है वैसा है, करना आपको ही पड़ता है। कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है या कुछ भी आपको नहीं आ रहा है, जिस जगह से आप टूल लेते हो उनसे आप सलाह ले सकते हैं कैसे काम करना है, क्या काम करना है, तब आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। तो जो भी भाई अपने से के इश्यू टेस्टर चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं, मशीन का यही बेनिफिट रहता है, ऑन टेबल आप काम कर सकते हैं, गाड़ी के पास बार बार जाने की ज़रूरत नहीं रहती है। और जो भी भाई केटैग लेना चाहते हैं, केटैग भी अपने पास अवेलेबल रहता है, और बेस्ट सपोर्ट के साथ, और बेस्ट मैं कहूँगा बेस्ट से बेस्ट सपोर्ट, ये भी मैं आपको बताता हूँ सपोर्ट आपको क्या मिलेगा। देख सकते हैं ये हमारा ग्रुप है, जो हमारे से केटैग लिए हैं उनका ही सिर्फ और सिर्फ ये ग्रुप है, तो हम उनके अंदर सारा कुछ हम देते रहते हैं, कैसे उसको करना, कैसे उसको प्रोग्राम करना है, हम टाइम टू टाइम उनको डेटा हम शेयर करते रहते हैं, कैसे उसको देखो। कोई भाई मेरे को बोले थे भाई 1639 का ECM का कनेक्शन चाहिए, देख सकते हैं
ऐसा हमारा ये सपोर्ट का बेनिफिट ये है, आपको कहीं भी कभी भी अटकते हैं तो उसकी बाकायदा उसको सही तरीके से सपोर्ट देना, कैसा देना, क्या तरीके से देना, वो इसके अंदर जुड़ता है। ठीक है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।